हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के आते हैं तो उनमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये ऑफर होगा या इनविटेशन टू ऑफर होगा। आज हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ऑफर है, ऑफर का मतलब ए ने बी को सीधा ऑफर दिया कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे। क्या बोला? ए ने बी को बोला क्या आप मेरी कार खरीदोगे 1,00,000 रुपये में। तो यहाँ पे ये प्रपोजल है, ये ऑफर है। अब मैं बात करता हूँ इन्विटेशन टू ऑफर की। अगर एक न्यूज़पेपर है, मैं क्या कह रहा हूँ, यह एक न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर में क्या निकलता है, एक टेंडर निकलता है। मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से टेंडर निकला है कि जो भी इच्छुक व्यक्ति हो, जो यह रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, वह यह टेंडर देख के अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। तो यह क्या है, यह इनडायरेक्ट तरीके से क्या कह रहा है, आओ हमको आप ऑफर दो। कहने का मतलब जो टेंडर होता है वो इनवाइट करता है लोगों को कि आप आओ ऑफर करो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। दोनों में, ऑफर को प्रपोजल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि ऑफर डायरेक्टली होता है कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे, तो वो डायरेक्टली, और किस लिए होता है, विद एन इंटेंट। हमारा इंटेंट क्या होता है, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। आज यह व्यक्ति इसको ऑफर दे रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, असेंट को लेना। यहाँ पे टेंडर में क्या होता है, एक टेंडर में एग्जांपल ले रहा हूँ, इनविटेशन टू ऑफर में जो आपका ये इनविटेशन टू ऑफर है, इसमें टेंडर क्यों ले रहा हूँ एग्जांपल में, एकदम सटीक बैठता है। जैसे एक टेंडर निकलेगा तो एक व्यक्ति क्या करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा कि मैं इस काम को इतने मूल्य में करके आपको दूंगा। ये क्या कर रहा है, वो हम उसको टेंडर दे रहे हैं, वो न्यूज़पेपर में टेंडर दे रहे हैं, उस टेंडर को पढ़ के हमको एप्लीकेशन इन्वाइट दे रहा है। कहने का मतलब वो ऑफर कर रहा है, तो हमने इनविटेशन दिया है, भाई ऑफर करिए। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इनविटेशन टू ऑफर। अब बात करते हैं कुछ, हम जो ये प्रस्ताव का निमंत्रण होता है उसके कुछ हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। ऑफर के तो एग्जांपल आपको बहुत सारे पता हैं, आज हम बात करेंगे इनविटेशन टू ऑफर के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जैसा मैंने बोला, एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन। अगर क्या होता है, ऑक्शन हो रहा है, एक आप इंडियन प्रीमियर लीग की बात करिए, इंडियन प्रीमियर लीग में क्या होता है, आईपीएल का एक जो पूरा टीम में जो भी प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं उनमें कैसे होता है, उनमें इस तरीके से होता है कि वहाँ पे एक बिड लगती है, बिडिंग होती है, जो बिड ज़्यादा हाईएस्ट लगाता है उस पर एक हैमर हथौड़ा लग जाता है और वो व्यक्ति उतने प्राइस में सेलेक्ट हो जाता है। तो जो वो ऑक्शन हो रहा है, क्या कह रहा हूँ, जो वो ऑक्शन हो रहा है, एडवर्टीजमेंट ऑफ एन ऑक्शन, कि भाई आप आइए यहाँ पे, इस जगह पे इतने बजे ऑक्शन होगा, तो इसका जो मैं एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ वो क्या है, इनवाइट कर रहा हूँ मैं, इनविटेशन टू ऑफर। तो ये हो गया मेरा एक एग्जाम्पल, ये है आईपीएल वाला। देन टेंडर, अभी बताया मैंने, कोई भी न्यूज़पेपर में जो टेंडर जाता है वो भी क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है ऑफर करने के लिए। टेंडर इन अ न्यूज़पेपर, व्हेन अ मैन एडवर्टाइजेस दैट ही हैज़ स्टॉक ऑफ बुक्स टू सेल। ये क्या कर रहा है, ये एक एडवर्टीजमेंट दे रहा है कि भाई मेरे पास क्या है, स्टॉक ऑफ बुक्स है बेचने के लिए। वो ये क्यों बता रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आगे से कोई ऑफर आए मुझे, मैं किसी को चला के ऑफर नहीं दूँ, आगे से कोई ऑफर दे, इट इज़ इन्विटेशन टू ऑफर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स इन अ शोरूम विद प्राइस। एक शोरूम में जो आर्टिकल है उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा हुआ है, वो भी क्या है, इनविटेशन टू ऑफर, उसको देख के आप उसको ऑफर देंगे शॉपकीपर को। कैटलॉग हो गया, कोई भी प्राइस लिस्ट होगी गुड्स की या सर्विस की जो सेल के लिए है। अब बैंकर्स कैटलॉग, ये सभी किस में आते हैं, इनविटेशन टू ऑफर में। हाँ, एग्जाम में जैसे जुडिशरी के जो भी एग्जाम है, ये सारे पॉइंट्स उसमें आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाएंगे तो उसमें आप प्राप्त करेंगे कि भाई ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आगे चलते हैं इसके हम, मेन्यू कार्ड ऑफ रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, वहाँ पे जो मेन्यू कार्ड होता है उसमें सब क्या रहता है कि ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का। तो जो मेन्यू कार्ड आपको दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि भाई ये इट इज़ इनविटेशन टू ऑफर, कि इसको आप देखो और इसमें से कुछ आप ऑफर करिए, कुछ प्रपोजल करिए ताकि वो आपको ला के दिया जाए। तो मेन्यू कार्ड ऑफ रेस्टोरेंट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू प्रपोजल। देन बात करेंगे हम प्राइस टैग्स अटैच्ड विथ गुड्स डिस्प्लेड इन शोरूम। वही बात हो गई, शोरूम में या शॉप पे कोई भी जो डिस्प्ले हो रखा है आपका, प्राइस टैग बता ही रखा है मैंने। फिर जॉब की एडवर्टीजमेंट आती है, ये तो बहुत अच्छा है, जॉब की एडवर्टीजमेंट कोई भी आ रही है,
कि इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज़ के लिए इतने से इतने उम्र के व्यक्ति हैं जो भर सकते हैं फॉर्म, प्लीज़ इसको जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों, स्टूडेंट्स हों, वो फॉर्म भरें। तो ये भी एक क्या है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप इसको भरें। फिर आप उसको जब भर के देंगे तब आप क्या कर रहे हैं, आप प्रपोजल कर रहे हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि इनविटेशन टू ऑफर, जैसे प्रपोजल यहाँ पे है, मान लीजिए ये प्रपोजल है, या मैं कह सकता हूँ ये ऑफर है, बट इसके भी पहले क्या हो सकता है, इनविटेशन, इनविटेशन। तो मेरा कहने का मतलब हुआ इनविटेशन टू ऑफर, पहले कौन आ रहा है, पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। तो स्टेज की भी बात अगर हम करते हैं तो स्टेज में पहले इनविटेशन टू ऑफर आता है, देन ऑफर आता है, अगर दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। फिर आता है प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग पब्लिक टू बाय शेयर्स, कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है, इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंपनी की सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो उस वह प्रोस्पेक्टस जो है वो क्या कर रहा है, इन्वाइट कर रहा है पब्लिक को, आओ आओ हमारे शेयर्स को खरीदो। तो इट इज़ एन इन्विटेशन। जब वो ऑफर, जब वो एप्लीकेशन का पैसा भर के जमा करेगा भाई मैं खरीद रहा हूँ, तो वो ऑफर होगा। अब बात करते हैं कोई भी कोटेशन है प्राइस का, टाइम टेबल है, मान लीजिए कोई रेलवे, रोडवेज, इनकी एयरलाइंस जो कैरियर वगैरह हैं, इन सब के जो भी टाइम टेबल हैं वो भी आपको क्या करते हैं, इनविटेशन टू ऑफर में आते हैं। देन बात करेंगे एन ऑक्शनियर्स अनाउंसमेंट दैट स्पेसिफाइड गुड विल बी सोल्ड बाय ऑक्शन ऑन अ सर्टेन डे, ये तो हमने बात कर ही लिया। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने IPL इंडियन प्रीमियर लीग की बात करी है, मैंने IPL तो सभी देखते हैं, वही चीज़ है, ऑक्शनियर ने अनाउंस किया कि भाई स्पेसिफिक गुड्स विल बी सोल्ड। अब वहाँ पे क्या होता है, गुड्स तो सोल्ड होता नहीं है, वहाँ पे प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, सो कोई भी स्पेसिफिक प्लेस पे, स्पेसिफिक टाइम पे। तो ये है इनविटेशन टू ऑफर। सो देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। इसके आगे हम एक और नया लेक्चर लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।